हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एसी ट्रेडिंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लॉरस लैब शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने चार्ट प्रेजेंट किया गया है। जो चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया गया यह है डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट, और डे चार्ट पर कंटिन्यू पिछले चार दिनों से हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। तो कब तक ये गिरावट यहाँ पर कंटिन्यू रह सकती है, कहाँ से इसमें रिवर्सल आ सकता है, इस पर करेंगे चर्चा। यदि यहाँ पर कोई फ्रेश एंट्री का लेवल निकल करके आता है उस पर डिस्कस करेंगे, साथ ही में फ्रेश एंट्री के लेवल के साथ ही आपको टारगेट और स्टॉप लॉस भी यहाँ पर सजेस्ट किए जाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको लॉरस लैब का चार्ट प्रेजेंट किया गया। इसमें आपको कंटिन्यू पिछले चार कैंडल रेड दिखाई दे रहे। तो फ्रेंड, यहां पर कौन सा लेवल ब्रेक हुआ, यहां पे ₹500 मैंने एक लाइन बनाई है। देखिए, ये जो लाइन आपको बनी हुई दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है ये ₹500 पे निकल करके आती है। ₹500 की लाइन को आज इसने नीचे की तरफ ब्रेक किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक कंटिन्यू यहां से नीचे ही जाएगा। आज जरूर इसके अंदर हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या कंटिन्यू नीचे जा सकता है? डेफिनेटली जा भी सकता है, लेकिन क्या हमें स्ट्रेटेजी इसके अंदर बनाना चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। यहां पर आप देखिएगा, जो चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है यह डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट। यहां पर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, इसे हमने यहां पर कर दिया हाईलाइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्टॉक किस तरीके से मूवमेंट यहां पर कर रहा है। यह देखिएगा, ₹600 पे स्टॉक यहां पर मूवमेंट कर रहा है। यह देखेंगे, ₹600 स्टॉक यहां पर है। यहां से स्टॉक नीचे की तरफ आता है, नीचे कहां तक स्टॉक गिरा है तो आप देखेंगे ₹500 पे आने का स्टॉक में कंसोलिडेशन आपको यहां पर दिखाई देगा। ये देखिएगा, ₹500 पे आया, उसका स्टॉक में कंसोलिडेशन देखा, फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है और 450 तक यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चलता है, ऊपर स्टॉक कहाँ तक गया आप देखेंगे, 550 तक स्टॉक यहाँ पर तेजी करते हुए जाता है। फिर से स्टॉक जब नीचे आया तो अब इसने ₹500 पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है और कई बार यहाँ पर सपोर्ट भी जनरेट किए। आप इस लेवल को देखिए, ₹500 के यहाँ पर देखिएगा, ₹500 पे कितना लंबा टाइम इसने स्पेंड किया ये देखिए। और ₹500 पे आने के बाद स्टॉक ने जिगजैग भी किया, ये देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, उसके फिर से स्टॉक कहाँ आया, नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देता है। ये देखिए, इसका स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ से स्टॉक क्या कर नीचे की तरफ गिरता है, नीचे कहाँ तक गिरा स्टॉक, इस बार स्टॉक गया 450 के भी नीचे। यहाँ पर मैंने एक अपनी ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये हमारा मेजर सपोर्ट यहाँ पर निकल करके आता है। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ फिर से गया, इस बार 550 के ऊपर तक के लेवल स्टॉक ने यहाँ पर टच किए, और इसका स्टॉक में जब गिरावट हुई तो फिर से जो सपोर्ट निकल करके आया वो कहाँ पर आया आप देखेंगे, ₹500 पर। ये देखिए, ₹500 पर स्टॉक ने फिर से सपोर्ट लिया, और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद इसे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना होगी। ₹500 पर सपोर्ट देने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर कहाँ तक जाता है आप देखेंगे, ₹600 के भी ऊपर तक के लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेशन भी किया, ये देखिए कितने लंबे समय तक यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आया, नीचे कहाँ तक आता है तो आप देखेंगे लगभग ₹500 तक स्टॉक आपको फिर से नीचे की तरफ आता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ से स्टॉक में होती है तेजी, तेजी के साथ स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर स्टॉक कहाँ तक जाता है तो आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, इसके बाद स्टॉक में होती है गिरावट, गिरावट के साथ स्टॉक नीचे आया, नीचे कहाँ तक आया, ₹450 तक आपको स्टॉक में यहाँ पर गिरावट देखने को मिल जाती है। ये देखिए, यहाँ से स्टॉक फिर 450 तक गिरता है, और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से स्टॉक फिर तेजी से ऊपर की तरफ गया, 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को क्या किया इसने, यहाँ पर सपोर्ट किया। ये देखिएगा ऊपर की तरफ, आप देखिएगा यहाँ जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आए। देखिए, 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन है ग्रीन कलर की, इसको यहाँ पर क्या किया, रजिस्ट करा, स्टॉक नीचे की तरफ लौटाया, नीचे आने का स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ चलता है, और इस बार 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर भी इसने कंसोलिडेट जरूर किया था, ये देखिए यहाँ पर ब्रेक करने के पहले कम से कम 4 से 5 दिन तक कंसोलिडेट करता है, और फाइनली ब्रेकआउट मिलता है, और ब्रेकआउट मिलते ही स्टॉक कहाँ जाता है तो आप देखेंगे ₹600 तक आपको स्टॉक यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद स्टॉक फिर से नीचे की तरफ गिरावट करता है, गिरावट के साथ 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ते हुए स्टॉक नीचे आता है, नीचे की तरफ आने के बाद आप देखेंगे ₹500 के नीचे तक स्टॉक आने के बाद स्टॉक ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है, फिर से 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। ये देखिएगा, 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद स्टॉक में फिर गिरावट आई, और ये गिरावट स्टॉक को कहाँ लेकर के जा रही है आप देखेंगे, 498 के भी नीचे आपको स्टॉक अभी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि कल भी यहाँ पर कोई रेड कैंडल बनती है तब तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, स्टॉक 450 तक भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल आप देखिए ₹500 से कई बार रिवर्सल आया। ये देखिएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलावा इसके पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ₹500 कंसोलिडेशन देखिए, तो यहाँ पर ₹500 के ऊपर अगर यहाँ पर जाता है वापस स्टॉक, कल को अगर कोई ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है तब आप यहां पर एंट्री कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कहां पर एंट्री करना है, यदि ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है तो ₹500 पे आपकी एंट्री होगी, नीचे की तरफ मात्र 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा ₹490 का। ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मैं आपको यहां पर सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर 490 के भी नीचे स्टॉक जाता है तो वो 450 तक के लेवल पर हमें वापस देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा मेजर सपोर्ट है, वो यहां पर आप देख सकते हैं।
ये देखिएगा यहाँ तक भी स्टॉक आ सकता है, इसलिए मैं आपको छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ 10 पॉइंट का। लेकिन एंट्री कब करना है, यदि यहाँ पे ग्रीन कैंडल फाउंड होती है तभी, अभी आपको कोई एंट्री यहाँ पर नहीं करना है। अगर यहाँ पर एंट्री करें क्या टारगेट आप रखेंगे, तो फिर आपका टारगेट जो रहने वाला है यहाँ पे 600 रुपये का, आप यहाँ पर टारगेट रखने वाले 500 रुपये की एंट्री, 600 रुपये का टारगेट, मात्र 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अभी फिलहाल एंट्री अवॉइड करना है, 500 के नीचे स्टॉक चल रहा है, स्टॉक 500 के ऊपर आता है ग्रीन कैंडल बनती है अगर तभी आपको इसके अंदर एंट्री करना है, अन्यथा यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं करना है। स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखना, 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। सपोज आप 500 पे एंट्री करते, स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है और 515 520 तक स्टॉक चला जाता है, तब आपको अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट करना है, जिससे कि आपको कोई भी लॉस यहाँ पर नहीं होगा। और स्टॉक अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ चलता है, उस सिनेरियो में आपको क्या करना है, अपने प्रॉफिट को सेव करने के लिए अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ ट्रायल करते जाना है, जिससे आपको कुछ भी लॉस यहाँ पर नहीं देखना पड़ेगा। तो फिर ये था लॉरस लेप को लेकर के टेक्निकल व्यू। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video।